राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है विशाल अमन सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी आर जद्दी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लोग आपकी बुराई करते हैं, आप लोग आपके बारे में आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। तो चलिए, पहले चार स्टेज रहती है जो लोग आपकी जलाते हैं। स्टार्टिंग पहले स्टेज पे क्या होता है कि लोग आपको पूरन मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, आपके घर वालों से बोलेंगे, आपके दोस्तों में जाके आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मजाक उड़ाएंगे आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो उन लोगों के लिए पहले स्टेज के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ कि लोग हंसने वाले हंसते हैं, हंसना कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हंसने वाले हंसते रह जाते हैं क्योंकि इससे ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं। ये पहली स्टेज तो आपको क्लियर कर दे, पहली स्टेज की आपको मोटिवेशन दे दी है। अब दूसरी स्टेज में क्या करते हैं कि लोग आपकी बुराई करते हैं। स्टार्टिंग में तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, इससे अच्छा तो ये घर पे बैठे। ये क्या कर रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको टोकने के लिए बैठे हैं, कुछ आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा भी कर रहे हो ना, उसमें टांग अड़ाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, टांग अड़ाने के लिए कुछ बैठे रहते हैं, वो ही बंदे हैं। तो जो आदमी आपकी दूसरी स्टेज में, जो आदमी आपकी बराबरी नहीं करता ना, वो आदमी आपकी बुराई करता है। क्या करता है, जो आदमी आपकी बराबरी नहीं करता ना, वो आपकी बुराई करता है। और तीसरी स्टेज में आपको गिराने के लिए बैठे हैं आप, मतलब वो आप कुछ भी करोगे ना, तो आप दस जना जाके आप बोलेंगे, ये नहीं कर पाया, क्या है इसकी वीडियो, मतलब कुछ भी आप करो ना, कुछ नहीं कर रहा, इसका सपोर्ट मत करो, मतलब कुछ बंदों से बोलेंगे। मेरे बारे में ही है, एक मेरा प्रोजेक्ट था, आपको मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसको मैंने शेयर किया कुछ लोगों के साथ, वो एक्साइटेड हो गए। पर वो जो बंदे मुझको नीचे गिराने के लिए, पहली स्टेज मैंने क्लियर कर ली, दूसरी मैंने स्टेज क्लियर कर ली, अब तीसरी स्टेज पे मुझे गिराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ दम नहीं है, ये ऐसा ही है, पहले ये पास हो जाए फिर ये सोचेगा, अभी इसने 12वीं पास नहीं की, ये मतलब इस टाइप की आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पूरा गिराने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप तीसरी स्टेज क्लियर कर जाओ, फिर चौथी स्टेज आती है, फिर वो ही बंदा जो आपकी बुराई कर रहा था, जो आपका मजाक उड़ा रहा था, जो आपको गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो ही बंदा आपके पास आएगा और वो आपसे बोलेगा, भाई मुझे पता था, भाई विशाल मुझे पूरा पक्का पता था तू सक्सेसफुल होगा आपकी तेरी जिंदगी में। अरे इतना मोटिवेशन देने वाला बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कौन होगा, मतलब इस टाइप से आपसे आन के बोलेंगे वो बंदे कि भाई मुझे पक्का विश्वास था तू कर जाएगा। तो ये 90% बनेगी, जो आपकी अभी बोलते हैं ना, जैसे कि अभी आप 10th क्लास में हो तो आपसे कुछ बंदे बोलते होंगे 80%, अरे पास हो जाए कोई बड़ी बात है। तो अभी जैसे ही आपकी परसेंटेज बन जाएगी, फिर आपसे आने को बोलेंगे मुझे पक्का विश्वास था, दरअसल तेरी परसेंटेज बने, 8-8 घंटे मेहनत करने वाला, वो ही बंदे जो आपकी बराबरी नहीं कर रहे थे, आपकी बुराई कर रहे थे, जो आप पर हंस रहे थे, वो ही बंदे। तो दोस्तों, इस सबका सारांश यही है कि आप अपने गोल पे फोकस करो, और जो लोग भोंक रहे हैं, एक हाथी चलता है ना, जब कुत्ते भौंकते हैं उसी तरह से वो भौंक रहे हैं अभी आपकी सक्सेस के सामने। तो आप तो आपके गोल पे फोकस करो, और ये बंदों को छोड़ो, और जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो आपकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे, जो आप पे हंसते हैं क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है कुछ। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएं। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।